दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइक्रो कैप कंपनी के बारे में जो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा खासा रिटर्न लाकर दे रही है कंपनी जब से आई है कंपनी तब से अब तक कंपनी ने कम से कम पंद्रह का प्रॉफिट बना दे दिया है और मार्केट में आई हुई कंपनी को अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है छोटी सी कंपनी है माइक्रो कैप कंपनी है 130 करोड़ के आसपास उसका शेयर है और आपको बता दूं ये छोटी सी कंपनी कई सारी इंडस्ट्रियों में अपना बिजनेस कर रही है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहां पे आ, यहां पर दिखा रखा है कंपनी ने देखो यहां पे नंबर वन पे है प्लीथोरा ऑफ केमिकल्स एग्रोकेमिकल्स एरोमेटिक प्रोडक्ट्स पेंट्स कोटिंग एंड डाइस्टअप फूड फूड प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स लुब्रिकेंट्स ऑयल्स फार्मास्यूटिकल हैजराड्स केमिकल्स और रेज़िन तो ये इंडस्ट्रियाँ हैं जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रियों में ये शेयर जो है कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट्स को दे रही है ऐसा क्या प्रोडक्ट्स बनाती है दोस्तों सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद भी अभी भी बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रही है दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हो कि आपको भी ज्योति रेजिन जैसा और अतुल जैसा दीपक नाइट्रेट जैसा कोई ऐसा शेयर मिल जाए जो आपके पैसे को हर साल दो गुना तीन गुना चार गुना करता रहे तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक तो होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो उन्नीस सौ पिचानवे में आई थी उन्नीस सौ निन्यानवे में आई थी और तब से अब तक कंपनी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया उनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंपनी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया तो फिर हमें उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ने अब तक रिटर्न बनाकर नहीं दिया तो वो क्या रिटर्न बना के देगी आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है राधा कृष्ण दमानी या फिर विजय कीड़िया जी की जो हमेशा ऐसे शेयर ढूंढते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो स्मॉल कैप शेयर हो या फिर और चेस, छोटे शेयर जैसे माइक्रो कैप शेयर हो और उनको मार्केट में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मिनिमम दस साल ही हुई है अगर किसी कंपनी को बीस तीस साल हो गए मार्केट में आए हुए और कंपनी ने अब तक कोई प्रॉफिट बना कर नहीं दिया है तो फिर उसके डीएनए में कुछ ऐसा है कि वो चाहती नहीं है कि अपने बिज़नेस को सुधारने का सो so, दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं दोस्तों तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कंपनी का प्रोडक्ट्स जी हाँ दोस्तों ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शेयर जो है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका जब आप रिटर्न की प्रोफाइल देखोगे तो आपकी आँखें खुले की खुली रह जाएंगी दोस्तों सो so, वीडियो को पूरा देखिएगा और छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वेट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा हम अपने यूट्यूब्स मेंबर्स के लिए ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली शेयर ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे और आपका सपोर्ट्स मिलता रहेगा और आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपको ऐसे शेयर देते रहेंगे सो तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जिनका यूज पेट्रोकेमिकल्स है लिब्रिक्स है उनको भरने में किया जाता है रखने में किया जाता है ठीक है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स जो हैं दोस्तों दोस्तों तो, कई इंडस्ट्रियों में यूज होते हैं जैसे कि आपने अभी नीचे देखा था फूड से लेकर के फार्मास्यूटिकल लिवर लु, लु, वगैरह पेंट इंडस्ट्री में ये सारे यूज हो रहे हैं वहाँ पर और यहाँ पर देखो कंपनी ने प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं गैलविनाइज बैरल एपॉक्सी बैरल कंपोजिट बैरल और साइड वेल्टेड बैरल ओपन टॉप बैरल एम एस प्लेन बैरल्स ये बैरल्स यही बोलते हैं कंटेनर्स को वही बोलते हैं ये तो कई तरीके के बैरल्स हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रियों में यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे देखो आपने देखा था यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रियाँ हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कम से कम मिनिमम टेन इंडस्ट्री यहाँ पर मैंसन कर रखी हैं इससे ज़्यादा भी और होंगी आर कस्ट आर वैल्यूएबल कस्टमर वैल्यूड कस्टमर तो यहाँ पर कस्टमर क्या है कंपनी के अतुल लिमिटेड जो एक अच्छी लिमिटेड अच्छी कंपनी है केमिकल सेक्टर की जिसने लाखों परसेंट का प्रॉफिट प्रॉब्लम दिया है वो इस कंपनी का क्या है कस्टमर है और ब्लैक इंडस्ट्रीज और फायरमैन मैनिज एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड गोकुल ग्रुप मेघमानी ग्रुप और भी हैं बहुत सारे यहाँ पर आप जाके देख सकते हो और भी यार रीड मोर में देखोगे तो वहाँ पर अंदर में और भी मेंशन कर रखे हैं लेकिन अब मुझे लगता है कि नेट बहुत स्लो चल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे आप देखो कितने टाइप के कंटेनर्स बना रही है कंपनी है तो अलग अलग इंडस्ट्रियों में ये सब यूज हो रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर नहीं दिखा रखे हैं इसने हमने मोर किया था शायद प्रोडक्ट्स पर और देखे आप यहाँ पर तो यहाँ पर दिखा रखा होगा इसने प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हम आप ऐसे सारे डिटेल्स देखने लग जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो कोई नहीं अभी हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते दो दोस्तों तो यहां पर आप देखोगे केवल एक करोड़ का मार्केट कैप है करंट प्राइस की दो सौ है स्टॉक का पी ग्यारह है और बुक वैल्यू बयासी है बयालीस है थर्टी वन परसेंट का है और इंट्रेनसिक वैल्यू तीन सौ बाईस रुपये है जी हा दोस्तों इंटरनिक वैल्यू से सस्ते प्राइस पर देखने को मिल रहा है दो सौ चौंतीस रुपए प्राइस पर और जबकि इंट्रांसिक वैल्यू है इसकी तीन सौ बाईस रुपए जो कि अच्छी चीज होती है इंटर्नसिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किसी शेयर की तो so, डेट की बात करते हैं तो साढ़े तीस करोड़ का डेट है और रिजर्व है सत्रह करोड़ और अस्सी लाख बोल सकते हो आप या फिर ऐसे बोल सकते हो सेवन पॉइंट एट करोड़ का बोल सकते हो क्योंकि दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी तो है तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है ये इसका थोड़ी सी नेगेटिविटी है लेकिन उससे कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है क्योंकि आर और आर कंपनी के अच्छे हैं करंट लेबिलिटी थर्टी वन पॉइंट फाइव करोड़ की है और करंट एसेट्स फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव करोड़ के बहुत अच्छे एसेट्स हैं कंपनी के पास रिटर्न ऑन एसेट्स सेवेंटी परसेंट का रिटर्न करनी कंपनी जनरेट कर कर पा रही है अपने एसेट्स से और सेल्स ग्रोथ लास्ट सेवन इफ्टीन पॉइंट फोर परसेंट की, की है नेटवर्थ कंपनी की ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर करोड़ की है और कैश इक्वैलेंस छोटी सी कंपनी है और उसके पास वन पॉइंट एट करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है दोस्तों और यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है फिफ्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट की होल्डिंग है दोस्तों तो इस तरीके से कंपनी uh, के फंडामेंटल्स ठीक हैं काफ़ी अच्छे हैं थोड़ा सा डेट ज़्यादा है उससे आपको परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में अगर ग्रोथ नहीं हो रही होती तो हमें परेशान होना था क्योंकि कंपनी का आर और आर अच्छा है और आर और आर किसी भी कंपनी का अच्छा है तो उससे एक साथ एक बात ज़ाहिर होती है कि कंपनी का शेयर्स अच्छे खासे से ग्रो कर रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों मैग्जिम चार्ट ओपन करके तो आप देखोगे पंद्रह सौ सत्रह परसेंट का कंपनी ने प्रॉफिट बना के दे चुकी है तो कंपनी पर आप देख पा रहे हो दो में कंपनी आई थी सात सेप्टर दो हजार से पंद्रह सौ सत्रह परसेंट का प्रॉफिट परसेंट का दिया है और वन ईयर की बात करते हैं तो तीन सौ अट्ठासी ने तीन सौ अठासी परसेंट का प्रॉफिट बनाकर दिया है और जब से सबसे अच्छी बात कंपनी में गिरावट ही नहीं हो रही है कंपनी चलती ही जा रही है चलती ही जा रही है बस हाँ रुकता है थोड़ा सा उसके बाद फिर दौड़ने लग जाता है तो डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा शेयर है और बहुत ही छोटी सी कंपनी है आप इसको कंसिडर कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो बाकी बाय करने से पहले एक बार अपने फ्रांसियल फैनशियल एडवाइजेस ले करके ही बाय करें और अपने लेवल पर रिसर्च भी कर लें ताकि आ, आपको भी बिलीव हो जाए ब्रांडली किसी पर नहीं करना है और लेकिन ये शेयर दोस्तों तो आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है ना कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है एक इंडस्ट्री पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बना रही है वो कई सारी इंडस्ट्रियों के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है तो कंपनी ऐसा नहीं कि, कि किसी एक ही इंडस्ट्री पर डिपेंड कर रही है तो वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं सेल्स होगा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कंपनी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है दोस्तों तो आप इस शेयर को जरूर अपने पर रखिएगा हो सके तो पोर्टफोलियो में रख सकते हो दोस्तों सो तो बहुत ही स्ट्रॉग शेयर है आप इसको लंबे समय के लिए समयली करके चल सकते हैं और अभी भी बा कर सकते हैं अभी भी ओवर बैलुड शेयर नहीं है दोस्तों सो so, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें कमेंट्स करके बताना कि इसके पास कितने शेयर हैं अगर नहीं है तो ये बताना कि आप क्या बाइक करने वाले हो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताया करो अगर कोई मार्केट की कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो दोस्तों लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा सो so, थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों सब्सक्राइब ना हो